इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ दिस यूनिट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आईवी बोलस ड्रग. क्लियर? इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फॉर इंट्रावेनस इन्फ्यूजन. व्हेन रैपिड आईवी इंजेक्शन इज unsuitable when the drug has potential to precipitate toxicity or when maintenance of a stable concentration or amount of drug in the body is desired. In that case, we administer the drug as intravenous infusion. Clear? तब जबकि कोई drug में potential होता है toxicity cause करने का और जब plasma में drug का concentration maintain रखना होता है उस case में ड्रग को आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू एडमिनिस्टर करना मस्ट है. क्या? तो जब आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में ड्रग एडमिनिस्टर किया जा रहा है उस केस में हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को कैसे स्टडी करेंगे, किस तरह का काइनेटिक्स फॉलो होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एलिमिनेशन होगा, कौन कौन सी प्रोसेसेस फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे. क्या इन सच ए सिचुएशन द ड्रग For example, several antibiotics, theophylline, procainamide, etc., is administered at a constant rate, that is zero order, by IV infusion. The model can be represented as follows. Here you can see the drug is administered in intravenous infusion at zero order infusion rate. The rate is represented by R naught. Rate of infusion is represented here as R naught. Here the central compartment is represented. One compartment open model study कर रहे हैं. Okay, मतलब यहाँ पे body को एक single compartment की तरह consider किया गया है. Blood and other body tissues को एक single compartment की तरह consider किया गया है. आपने जब IV bolus के लिए one compartment open model study किया था तो वहां पे ये rate of administration eliminate कर दिया था. क्यों eliminate कर दिया था? क्योंकि आईवी बोलस के केस में यहाँ पे ड्रग को एब्जॉर्ब होने में 2 to 3 minutes लगते हैं. ठीक है, बहुत ही फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए वहां पे सिर्फ एलिमिनेशन का प्रोसेस हमने कंसीडर किया था. आईवी इन्फ्यूजन के केस में क्या हो रहा है, एक कॉन्स्टेंट रेट से जीरो ऑर्डर से इन्फ्यूज किया जा रहा है ड्रग को बॉडी में. तो इसीलिए यहाँ पे हमने इन्फ्यूजन रेट भी कंसिडर किया है और एलिमिनेशन रेट भी कंसिडर किया है. Yeah? तो यहाँ पे दो रेट प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गई. इन केस ऑफ इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जहाँ हम वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल स्टडी कर रहे हैं तो दो रेट प्रोसेसेस हमें स्टडी करने होंगे, दैट इज इन्फ्यूजन रेट एंड एलिमिनेशन रेट. ड्रग को इन्फ्यूज किया गया है जीरो ऑर्डर कॉन्स्टेंट रेट से इस कंपार्टमेंट में, फिर इस सेम कंपार्टमेंट से ड्रग का एलिमिनेशन भी हो रहा है. एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज के ई. एट एनी टाइम ड्यूरिंग इन्फ्यूजन the rate of change in the amount of drug in the body dx by dt is the difference between the zero order rate of drug infusion and first order rate of elimination, that is minus kex. ab hame jab ye jo dono processes ho rahi hain to drug ke amount mein change hoga, body mein drug ka jo amount hai, infusion bhi ho raha hai, infusion ki wajah se amount increase ho raha hai, elimination ki wajah se amount decrease ho raha hai. तो अमाउंट में चेंज हो रहा है ड्रग के अमाउंट में, तो वो जो ओवरऑल रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग है वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ इन्फ्यूजन और रेट ऑफ एलिमिनेशन के डिफरेंस के बराबर होगा. तो हम यहाँ पे इस रेट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय डीएक्स बाय डीटी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस के ई एक्स. आर नॉट इज रेट ऑफ इन्फ्यूजन. ये पॉजिटिव साइन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्यूजन से बॉडी में ड्रग का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है. माइनस के ई एक्स ये है रेट ऑफ एलिमिनेशन. रेट ऑफ एलिमिनेशन में नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि रेट ऑफ एलिमिनेशन की वजह से बॉडी में ड्रग का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, ड्रग एलिमिनेट हो रही है. क्लियर? अब नाउ इंटीग्रेटिंग एंड रीअरेंजमेंट ऑफ अबव इक्वेशन वी विल हैव एक्स इज इक्वल टू आर नॉट बाय के ई वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी. इस इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करेंगे और रीअरेंज करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी. अब इस इक्वेशन में अमाउंट के टर्म्स में है इक्वेशन, इसको कंसंट्रेशन टर्म्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे एक्स इज इक्वल टू वी डी सी, ड्रग का अमाउंट
ड्रग का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, जब फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स एसेस किए थे फॉर आईवी बोलस एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, इस अमाउंट की जगह पे इस ये इक्वेशन रखनी है, इस एक्स की वैल्यू रखनी है वी डी इंटू सी। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? नाउ एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्स्टेंट रेट इन्फ्यूजन द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज जीरो एंड हेंस देयर इज नो एलिमिनेशन। एज टाइम पासिस द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी राइजेज ग्रेजुअली, दैट इज एलिमिनेशन रेट लेस देन द रेट ऑफ इन्फ्यूजन until a point after which the rate of elimination equals the rate of infusion, that is the concentration of drug in plasma approaches a constant value called as steady state plateau or infusion equilibrium. ab yahan pe ek naya term aata hai, steady state or plateau or infusion equilibrium. to steady state kya hogi, jaise hi drug ko administer kiya jata hai, drug infuse ki jati hai, to infusion ke time pe kya hoga, time जब जीरो है इन्फ्यूजन के टाइम पे क्या होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि अभी ड्रग ब्लड में जस्ट पहुंची है। ठीक है, तो उस टाइम पे तो एलिमिनेशन स्टार्ट होगा नहीं, वहां पे क्या है एलिमिनेशन रेट जीरो है, सिर्फ रेट ऑफ इन्फ्यूजन इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हो, ग्राफ प्लॉट किया गया है प्लाज्मा ड्रग कंसेंट्रेशन और टाइम के बीच में, ये रेगुलर ग्राफ है, कर्टेसियन ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्फ्यूजन रेट कॉन्स्टेंट रेट से इन्फ्यूजन इन्फ्यूज किया जा रहा है ड्रग। यहाँ पे इस केस में जब तक कि स्टेडी स्टेट नहीं पहुंचती है, मतलब वो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन नहीं मेंटेन होती है ब्लड में, जो कि थेरेप्यूटिक डोज है, कि थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन है, कि वो कंसंट्रेशन जिस कंसंट्रेशन को अचीव करने के बाद में ड्रग अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करना स्टार्ट करेगा, इस कंसंट्रेशन को बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ठीक, तो ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पहुंच रही है, यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्यूजन रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर होगा। के रेट ऑफ इन एट स्टेडी स्टेट और इन्फ्यूजन इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ इन्फ्यूजन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन। के अब यहाँ पे स्टेडी स्टेट के बाद में क्या हो रहा है, ये एलिमिनेशन फास्ट हो रहा है और इन्फ्यूजन स्लो हो गया। जो एलिमिनेशन रेट होगी वो इन्फ्यूजन रेट से ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए ग्राफ का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। के अब यहाँ पे ये कर्व्ड ग्राफ मिल रहा है, इस कर्व्ड ग्राफ को स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सेमी लॉग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे जो एलिमिनेशन डेटा मिलता है, एलिमिनेशन कंसंट्रेशन मिलती है, इसको सेमी लॉग ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हो इसके साइड में, ये लॉग कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, स्ट्रेट लाइन सेमी लॉग ग्राफ ऑप्टेन हुआ है। इसका जो स्लोप होगा, इस स्लोप की वैल्यू होगी माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। तो इस स्लोप से हमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मिल जाएगा। आईवी बोलस वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल में हमने फार्माकोकाइनेटिक असेसमेंट किया था, वहां पे डिफरेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स डिटरमाइन किए थे स्टेट लाइन सेमी लॉग ग्राफ प्लॉट करके, और उस ग्राफ के स्लोप से एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑब्टेन किया था, एलिमिनेशन हाफ लाइफ ऑब्टेन की थी, एलिमिनेशन हाफ लाइफ और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की हेल्प से अदर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स ऑब्टेन किए थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही करना है, यहाँ पे एट स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी इज जीरो। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जब अचीव होगी तो वहां पे ड्रग का जो कंसंट्रेशन है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एलिमिनेशन रेट इन्फ्यूजन रेट के बराबर है, कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन होती है वहां पे। क्या, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ ड्रग की जगह जीरो रख दिया, रेट ऑफ एलिमिनेशन रेट ऑफ इन्फ्यूजन के इक्वल हो गया। अब यहाँ भी हम इस अमाउंट को कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिमिलरली एक्स एस एस इज इक्वल टू सी एस एस इंटू वी डी की वैल्यू रख के। ये हमें इक्वेशन स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन के टर्म में मिल गई, वेयर एक्स एस एस एंड सी एस एस आर अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा एट स्टेडी स्टेट रिस्पेक्टिवली। नाउ अब हमें ये स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन की वैल्यू मिली, हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग आर नॉट के डिवाइडेड बाय के ई वी डी इज इक्वल टू सी एस एस फ्रॉम इक्वेशन टू टू इन इक्वेशन वन वी गेट। यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिली है, ठीक है, इस वैल्यू की जगह क्या रख देंगे, जो ऊपर इक्वेशन वन थी इस इक्वेशन में
इसकी जगह पे हम सी एस एस की वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन वन आप देख सकते हो, दिस इज द क्वेश्चन वन। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन पे, क्या मिली है? आर जीरो डिवाइडेड बाई के ई वी डी इज इक्वल टू सी एस एस, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे? स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन रख देंगे। इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें? सी इज इक्वल टू सी एस एस वन माइनस ई टू द पावर माइनस के ई टी। ये इक्वेशन हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पे, इंटीग्रेट करने पे और रीअरेंज करने पे हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने पे इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन को, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमें स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, इसको लॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लॉग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने पे हमें इक्वेशन मिल गई। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे लॉग सी एस एस माइनस सी डिवाइडेड बाय सी एस एस लेंगे, वाई एक्सिस पे इस वैल्यू को लेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे। इन दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, जो ऊपर हमने देखा था। इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का स्लोप क्या होगा? माइनस के ई बाय 2.303। तो इस ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में जब हम स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करके हमें एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट के बीच में स्लोप कैलकुलेट करेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, माइनस के एलिमिनेशन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। तो एक फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर मिल गया हमें इस सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ की हेल्प से। नाउ अब यहाँ पे इन्फ्यूजन के केस में क्या होता है, जब आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में ड्रग एडमिनिस्टर करी जाती है, तो कई सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा लॉन्गर होती है। हाफ लाइफ लॉन्गर होने पे क्या होगा कि ड्रग की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो जल्दी मेंटेन नहीं हो पाती, स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जल्दी मेंटेन नहीं हो पाती है, और बहुत लंबे टाइम तक वो सब थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन ही रहती है। तो उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इन्फ्यूजन के साथ में लोडिंग डोज भी एडमिनिस्टर करते हैं। लोडिंग डोज मतलब कि आईवी बोलस डोज भी एडमिनिस्टर करते हैं, और आईवी डोज एडमिनिस्टर करने के तुरंत साथ ही इन्फ्यूजन भी स्टार्ट कर देते हैं, ताकि जो कंसंट्रेशन है ब्लड में ड्रग की वो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन इमीडिएटली अचीव हो सके। इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द ड्रग हैविंग लॉन्गर हाफ लाइफ बिफोर द प्लेटियो कंसंट्रेशन इज रीच्ड, दस इनिशियली सच ड्रग्स हैव सब थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशंस। This can be overcome by administering an IV loading dose large enough to yield the desired steady state immediately upon injection prior to starting the infusion. It should then be followed immediately by IV infusion at a rate enough to maintain this concentration. यहाँ पे example दिया गया है phenobarbital का। Phenobarbital की half life is 5 days. तो 5 days में जब ये कंसंट्रेशन मेंटेन होगी, इसकी स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन मेंटेन होगी, तो सोचिए वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट कब शो करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो ड्रग जिनकी हाफ लाइफ बहुत ही लॉन्गर होती है, उनके लिए हम इंट्रावोलस बोलस एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, आईवी बोलस के फॉर्म में लोडिंग डोज के फॉर्म में ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, उसके तुरंत बाद ही इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं टू मेंटेन द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन इन ब्लड। The equation describing the plasma concentration time profile follow simultaneous IV loading dose and constant rate infusion, IV infusion is the sum of two equations describing each processes. अभी हमने ऊपर जो IV infusion के लिए equation देखी थी वो किसके लिए थी? Infusion और elimination rate के लिए थी। अब यहाँ पे एक और rate process क्या add हो गई? IV bolus के लिए जो rate process थी। तो हमें जो final equation है वो फाइनल इक्वेशन आईवी इन्फ्यूजन प्लस लोडिंग डोज के लिए इक्वेशन ऑब्टेन होगी। अब यहाँ पे हम दोनों प्रोसेसेस को ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट ग्राफ है, इस ग्राफ में आईवी इन्फ्यूजन के फॉर्म में ड्रग एडमिनिस्टर करिए, इसको स्टेडी स्टेट लेवल तक पहुंचने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसके साथ ही क्या किया, यहाँ पे एक मेंटेनेंस डोज दे दी, एक लोडिंग डोज एडमिनिस्टर कर दी, आईवी इन्फ्यूजन प्लस लोडिंग डोज कंबाइन, ठीक है। लोडिंग डोज से क्या हुआ, ये डायरेक्टली ब्लड में इतना बल्क अमाउंट ऐड किया, इसका धीरे धीरे एलिमिनेशन होगा, जब तक ये एलिमिनेट होगी
तब तक आईवी इन्फ्यूजन जो साथ ही स्टार्ट कर दिया गया है, वो आईवी इन्फ्यूजन से ड्रग यहाँ इस स्टेट को अचीव कर लेगा और जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो थेरेपेटिक कंसंट्रेशन इजिली विद इन द टाइम अचीव कर जाएगा और वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर देगा. क्लियर. नाउ द असेसमेंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स. आईवी बोलस के केस, आईवी इन्फ्यूजन एडमिनिस्ट्रेशन के केस में वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल की हेल्प से कैसे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. मैं आपको पहले भी ये बता चुकी हूँ कि एलिमिनेशन किसी भी कंपार्टमेंट मॉडलिंग को आप स्टडी करो, चाहे वो वन कंपार्टमेंट हो, मल्टी कंपार्टमेंट हो, मल्टी कंपार्टमेंट में टू कंपार्टमेंट हो, थ्री कंपार्टमेंट हो, के हमेशा ही रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेगा. रेट ऑफ एलिमिनेशन आप कहीं पे भी डिटरमाइन करिए, रेट ऑफ एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्म में ही होगा. क्लियर. द फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम ए सेमी लॉग प्लॉट ऑफ पोस्ट इन्फ्यूजन कंसंट्रेशन टाइम डेटा. जो पोस्ट इन्फ्यूजन कंसंट्रेशन, पोस्ट इन्फ्यूजन कंसंट्रेशन मतलब जहाँ पे जो एलिमिनेशन कर्व हमें मिला था, ठीक है, उस कंसंट्रेशन और टाइम डेटा की हेल्प से जो सेमी लॉग ग्राफ प्लॉट किया, जो स्ट्रेट लाइन सेमी लॉग ग्राफ ऑब्टेन हुआ है, उस ग्राफ की हेल्प से फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट और एलिमिनेशन हाफ लाइफ हम कैलकुलेट कर लेंगे. एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टोटल सिस्टमिक क्लियरेंस कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन एंड इन्फ्यूजन रेट. यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन और इन्फ्यूजन रेट है, इस ग्राफ की हेल्प से वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर देंगे. अदर मेथड क्या है, एरिया अंडर कर्व की हेल्प से भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन सॉरी क्लियरेंस, टोटल क्लियरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है. दीज टू पैरामीटर्स कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टोटल एरिया अंडर द कर्व टिल द एंड ऑफ इन्फ्यूजन. AUC इज इक्वल टू आर नॉट टी डिवाइडेड बाय VDKE. VDKE इज टोटल क्लियरेंस, तो इसकी जगह क्लियरेंस की वैल्यू रख सकते हैं. इस फॉर्मूले से हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा और टोटल क्लियरेंस भी मिल जाएगा. क्लियर. तो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में रेट ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन हाफ लाइफ सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ की हेल्प से ऑब्टेन हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल क्लियरेंस, एरिया अंडर कर्व या रेट ऑफ इन्फ्यूजन एंड स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन की हेल्प से ऑब्टेन हो गया. क्लियर. नाउ वेयर द टी इज इन्फ्यूजन रेट. यहाँ पे इक्वेशन में टी इन्फ्यूजन रेट है. द अबव इक्वेशन इज अ जनरल एक्सप्रेशन व्हिच कैन बी अप्लाइड टू सेवरल फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स. क्लियर. तो यहाँ पे हमने फार्माकोकाइनेटिक असेसमेंट किया फॉर वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल आईवी बोलस. दैट्स इट अबाउट द आईवी बोलस वन कंपार्टमेंट मॉडल स्टडी. थैंक यू.